हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे घर में बैठे बैठे आप सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं एंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं विद द सिंपल इफेक्ट्स। सो ये सारी चीज़ मैं अभी आपको वीडियो के आगे दिखाऊंगा, उससे पहले आप एक बार फाइनल वीडियो देख लें। सो गाइस, जैसे कि भी आपने फाइनल वीडियो देखी तो आप बताइए आपको कैसी लगी, और अब मैं आपको हर एक शॉट को कैसे शूट करना है वो बताऊंगा, और आपका 80% काम शूट पे ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका एक गुड शूट हो तब आपको लिटिल बिट कलर करेक्शन के साथ आपकी वीडियो प्रो लेवल की सिनेमैटिक लगती है। सो मैं अब आपको इसकी टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ को अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी चीज़ शूट करनी है वो भी वाव तरीके से, तो सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा लार्ज दिखाना पड़ेगा। तो मैं बहुत क्लोज़अप शॉट लेना पसंद करता हूँ इस सिनेरियो पे। तो जैसा कि मैंने अभी लीफ का बहुत क्लोज़अप शॉट लिया है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ये वाव लग रही है, और साइड बाय साइड इसमें बोके इफेक्ट भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप कोई भी क्लोज़अप शॉट लोगे तो उसका बहुत ही ज़्यादा वाव और क्रेजी सीन्स बनते हैं। तो चलिए आप चलते हैं हम सेकंड सीन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप किसी भी पार्ट में स्लोमो डाल दोगे तो वो बहुत ही क्रेजी हो जाती है। अगर आप किसी भी चीज़ को 120 FPS से शूट करो, आपको बहुत अमेजिंग इफेक्ट सीख सकते हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स कितनी अमेजिंग तरीके से आ रहे हैं, मतलब कि सीरियसली बहुत ही ज़्यादा वाव लग रही है। तो अगर आप किसी भी सिनेरियो में अगर आप स्लोमो यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और क्रिएटिव टच होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आप किसी के पीछे से शूट लोगे उस एक सब्जेक्ट का, तो वो भी बहुत अमेजिंग आता है। जैसा कि मैंने अभी शॉट लिया था जो आपको गेट में दिख रहा होगा, मेरे गेट वाले इफेक्ट्स में ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। मैं अब आपको अपनी दूसरी क्लिप में लेके जाता हूँ जहाँ पे हमने यूज़ किया टाइम लैप्स और स्लोमो, दोनों बहुत ही मेजर इफेक्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी इफेक्ट क्रिएट करने के लिए दोनों का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। टाइम लैप्स बेसिकली आपको जैसा कि देख पा रहे हैं कि कितनी फास्ट और अमेजिंग तरीके से लीव्स मूव कर रही है बारिश में, तो बहुत ही वाव सिनेरियो आ रहा है टाइम लैप्स का। आपने स्क्रीन में देखा, बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अब इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे पे अभी टोटल 4 क्रेजी स्टेप्स हो चुके हैं शूट करने के। पहला स्टेप बहुत ही ज़्यादा क्लोज अप शॉट लोगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ आएगी। दूसरा, स्लोमो में लोगे तो आपको इफेक्ट बहुत क्रेजी दिखेगा। तीसरा, अगर किसी के पीछे बिहाइंड लेके अगर इफेक्ट लोगे तो वो भी बहुत अमेजिंग होता है। चौथा मैंने अभी आपको बताया, टाइम लैप्स। अब हम चलते हैं अपने पाँचवें इफेक्ट पे। अगर हम किसी को रिवील करना चाहते हैं तो हमें किसी की यूज़ लेनी पड़ती है, ज़रूरत लेनी पड़ती है। तो मैंने एक इफ़ेक्ट क्रिएट किया है, वो है ब्लर इफेक्ट, मींस कि ब्लर होने के बाद रिवील करना, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू रिवील कर सकते हो, रिवीलिंग इफेक्ट्स, वो भी बहुत क्रेजी होते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के क्लोजअप शॉट लोगे तो वो बहुत ही वाव सिनेरियो में आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एक वाटर ड्रॉपलेट वाला शॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ऐसे ही आप क्रेजी शॉट्स ले सकते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा कि ये इतने सारे सीन्स हल्के फुल्के जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगे हैं, तो ऐसे ही आप अपनी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म या सिनेमैटिक क्लिप्स क्रिएट कर सकते हैं और घर में बैठे बैठे। तो गाइस, ये सारे शॉट आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे कुछ अलग धमाल। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।